गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? और मैं बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन। तो फ्रेंड, आज मैं आपको फ्री में लीफ के थ्रू प्लांट्स कैसे बनाएं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, ये है जीजी प्लांट जो नर्सरी में काफ़ी महंगा मिलता है। देखिए इसके पत्ते इस तरह से, ये और ये इंडोर प्लांट है, ये इंडोर या सेमी शेड में बहुत अच्छा चलता है। तो देखिए, फिलहाल मैंने ये इसको सेमी शेड में रखा हुआ है। सुबह की जो है इस पर धूप आती है और दोपहर को यहाँ पर ये शेड हो जाती है, तो फिर शाम की थोड़ी सी धूप आती है। तो इस तरह से इस सेमी शेड में ये इतना अच्छा चल रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने इसकी एक सिंगल लीफ लेकर उससे नए नए प्लांट्स कैसे बनाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये मदर प्लांट था, इसकी मैंने एक ये इस तरह से ये लीफ ली थी और इस लीफ को मैंने कुछ इस तरह से लगाया था, जिस तरह से ये मैंने इस पॉट में लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पांच लीफ इसके अंदर लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये मैंने लगाई थी, तो रेनी सीजन में ये मैंने लगा दी थी। और देखिए फ्रेंड, ये सरवाइव कर गई हैं और इनसे मैंने नए प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये सिंगल एक लीफ लगी हुई है और इसकी जड़ से ये देखिए, ये बेबी प्लांट निकल के आ गया है। तो देखिए फ्रेंड, आप किस तरह से हम अपने गार्डन में फ्री में पत्तियों के थ्रू भी नया प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, ये सारे प्लांट जो है ये रेडी हो गए हैं और इनमें से जो है ऐसे यहाँ से शूट निकलने वाली हैं, एक शूट इसमें निकल के आ गई है। तो इस तरह से ये मैंने इसी रेनी सीज़न में अगस्त के मंथ में ये पत्तियाँ लगाई थी। और देखिए, अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है और ये मुझे एक प्लांट इसमें बन भी गया है। बाकी इन सब में प्लांट्स बनने हैं। और उससे पिछले साल जो मैंने लगाया था एक प्लांट, ये देखिए, ये मैंने सिंगल लीफ से ग्रो किया हुआ प्लांट है और इसने इतनी ग्रोथ ले ली है, ये देखिए फ्रेंड। तो इस तरह से हम ये कितना प्यारा सब इसमें शूट वो निकल के आई है ब्रांच। तो इस तरह से हम फ्री में इसको लीफ से भी इस प्लांट को, जीजी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये काफ़ी महंगा प्लांट मिल जाता है। तो ये देखिए, 250 से लेकर ऊपर को कितने भी अमाउंट में ये मिल जाता है। और कम से कम ये 250 रुपये का एक प्लांट, मैंने छोटा से छोटा प्लांट तो देखा था नर्सरी में, तो उसने 250 का बताया, उससे ऊपर अलग अलग रेट में ये प्लांट थे साइज़ के हिसाब से। तो मैं एक प्लांट लेके आया था 250 में, तो ये बहुत छोटा था, अराउंड इसके बराबर ही था ये वाला प्लांट। तो देखिए फ्रेंड, इसमें भी ये रूट से भी डिवाइड होके प्लांट लग जाता है बहुत आसानी से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड, इसके यहाँ से एक नया प्लांट निकल के आया है। तो मैं इसको बाहर निकाल के इसके रूट्स को डिवाइड करके जो ये प्लांट मुझे ये मिल जाएगा। तो इस तरह से प्लांट बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है और इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो देखिए, ये इसमें एक ये नई ब्रांच निकल के आई है, ये देखिए फ्रेंड, इसके पत्तों का कलर कितना डार्क ग्रीन है। तो देखिए, इसको ग्रो करने के लिए हम जो पत्ता लेंगे, देखिए ये बिल्कुल न्यू वो है लीफ, तो हमें थोड़ी पुरानी लेनी है। ये देखिए, ये पुरानी वाली हैं, तो मैंने जो है इसी ब्रांच से ली थी कुछ पत्तियाँ जो मैंने लगाई थी, ये देखिए फ्रेंड। तो इस तरह से, और मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्लांट मैंने उससे पहले ये बनाया था। ज़्यादा प्लांट अब मुझे ज़रूरत नहीं है, गार्डन फुल भरा हुआ है तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये पांच प्लांट ये बन जाएंगे, एक प्लांट ये है और दो यहाँ पर हैं, तो इतने प्लांट बहुत हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये इसमें भी तीन प्लांट बन चुके हैं, मैं आपको दिखाऊँ, एक प्लांट ये है और एक ये है और एक इधर है, ये देखिए फ्रेंड। तो ये रूट डिवाइड करके इनको अलग अलग भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी सूखी पत्तियों को नीचे से रिमूव कर दें ताकि अच्छे से ग्रोथ ले ले। तो मैंने ये इस तरह से, और ये घास आ गई, ये हटा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसमें एक तरह से इसके जो रूट्स है ना, वो ये बहुत मोटी हो जाती है, ये देखिए ग्रीन ग्रीन निकल के आ रहा है। तो ये जैसे पोटैटो होता है ना, उस शेप में इसके गोल गोल नीचे अंडे बन जाते हैं, तो उसी उसी में से ये
शूट निकल के आती हैं। देखिए इसकी रूट भी ये आ रही है, इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगा ऊपर से अभी, तो ये फिर आसानी से प्रोपोगेट होता है और ये इसी के अंदर से नए नए शूट निकालता रहता है। और इसको पानी, ये पानी अपना खाना इसी में स्टोर कर लेता है। तो इसको देखिए कितनी, ये भी इसका जो है ना स्टेम, ये भी थिक है, तो इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। बस इसकी पत्तियों पे अगर हम स्प्रे कर दें पानी का तो वही इसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ फिर ऐसे चमकदार रहती हैं। तो इसकी पत्तियों को पानी से ज़रूर भिगो दें, तो इससे ही अपना खाना बनाता रहता है और बहुत आसानी से ग्रो करता रहता है। तो देखिए फ्रेंड, ZZ प्लांट बहुत प्यारा, बहुत क्यूट प्लांट है ये। ये देखिए कितना छक रहा है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मैंने क्या किया है। मैंने देखिए ये पॉट है, इसके ऊपर इसको रखा हुआ है, ऐसे ही मैंने यहाँ किया है, इसके ऊपर इसको रखा हुआ है, ठीक है। और अब देखिए ये जो है इसको भी मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी में स्प्रे कर देता हूँ, बाकी ज़्यादा पानी में यहाँ डाल देता हूँ, तो यहाँ से ये मिट्टी नमी लेती रहती है और इसके चारों तरफ मॉइस्चर बना रहता है। इस प्लांट को मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको ये दिया है, इस तरह से ये एनवायरनमेंट दिया है। तो ये देखिए रिजल्ट मुझे ये मिला देखने को। सिमिलरली मैंने ये इसमें भी ऐसे ही किया है, उसमें भी ऐसे ही किया है। पानी यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पर स्प्रे कर देता हूँ, एक्स्ट्रा पानी जो यहाँ होता है तो वो मॉइस्चर बन के इसको आता है, ये पौधा अपना पानी लेता रहता है और अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। ज़्यादा पानी हम इसमें डालेंगे, इसके रूट्स में, तो ये क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया, देखिए ये पोटैटो की तरह से मोटा सा इसका कोडेक्स होता है ज़मीन के अंदर, तो वो गल जाता है और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको पानी कम चाहिए, लेकिन पानी चाहिए भी, तो उसको मैंने ये जो है तरीका फाइंड आउट किया है। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा मेरा आइडिया। तो मैंने इस तरह से ही करके इनको, जब से मैंने ये आइडिया यूज़ किया है तब से मेरे प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करने लगे हैं। पहले मेरे प्लांट ऐसे ही फर्श के ऊपर रखे रहते थे, तो इतना अच्छे सर्वाइव नहीं कर रहे थे, तो मैंने इसको ऐसे किया तो अब बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, नर्सरी में बहुत कॉस्टली मिलता है और घर में एक प्लांट लाकर हम इतने सारे प्लांट फ्री में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। ये देखिए, और ये एक कैक्टस ऊपर से गिलहरी ने या किसी चीज़ ने एक गिर गया है, देखिए बेबी, इसको मैं, ये यहाँ से गिरा है यहाँ से, तो मैं इसको, देखिए इसमें रूट्स भी बन गई हैं, ये आकर दिख रही हैं, देखिए फ्रेंड इसमें ये ऐसे रूट्स बन गई हैं। ये फ्री में बेबी कैक्टस तैयार है, बस इसको जगह चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा इस तरह से, ऐसे ही ऊपर ही रख दूँगा, तो ये आराम से रूट्स पकड़ लेगा ज़मीन में और सर्वाइव करता रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से, ये मैंने बहुत हार्डी सकुलेंट हैं ये सारे मेरे पास, ये सभी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही हार्डी प्लांट्स। और अब विंटर आ चुकी है, तो देखिए सकुलेंट प्लांट का टाइम जो है शुरू हो गया है। विंटर में सकुलेंट प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो सभी मेरे पास ज़्यादा सकुलेंट हैं या फिर कैक्टस हैं, कैक्टस भी एक सकुलेंट वैरायटी, सकुलेंट भी कैक्टर सब है कि कैक्टस भी सकुलेंट फैमिली में ही आता है। तो इस तरह से देखिए, क्योंकि सकुलेंट प्लांट जो है उनको पानी कम चाहिए, और पानी कम दोगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो फिर उनको बचाना मुश्किल है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें सकुलेंट प्लांट में। और ये जो जितने भी ऐसे प्लांट हैं जो अपने पत्तियों में, स्टेम में पानी स्टोर करके रखते हैं, तो ये टेक्निक है उन प्लांट को अच्छे से केयर देने की। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर केयर की बात करें तो बस ज़्यादा केयर के चक्कर में पानी देना शुरू कर देते हैं। जो न्यू गार्डनर्स होते हैं वो यही करते हैं, प्लांट्स परचेज करके लाए और उन्होंने पानी देना ज़्यादा शुरू किया, वो सोचते हैं कि बस पानी अच्छे से देंगे तो ये इनके केयर हो रही है और ये चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारे ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं और फिर सूख जाते हैं। तो हमें पानी का ध्यान रखना है, जब तक मिट्टी सूख नहीं जाए तब तक हमें पानी नहीं दे। अब देखिए मैंने कल पानी दिया था, इसमें मिट्टी अभी तक गीली है, तो मैं इसको पानी नहीं दूंगा जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाए। तो इस तरह से सोइल जो है चेक करके और पानी दें।
देखिए फ्रेंड, ये मैंने सीड डाले थे इसके कॉक्सकॉम के। तो जैसे हिल्स स्टेशन पे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना पाइन के, कुछ इस तरह का शेप इसका लग रहा है। ये देखिए बड़े बड़े जैसे पाइन के जो होते हैं प्लांट्स, उसी के शेप में ये लगता है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए इसका जो स्टेम है रेड कलर में पत्तियाँ, और उस पर भी फिर फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस ये उसमें रेनी सीजन में बहुत सारे इसके प्लांट्स जम के आए थे, ग्रो करके आए थे। मैंने 5-6 बस इसी में छोड़े, बाकी सब हटा दिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा देखने में यही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़े से ही प्लांट छोड़े हैं। ये देखिए फ्रेंड, इनका जो है कितना प्यारा लुक है, ये देखिए। तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, और जो न्यू जिन्होंने गार्डनिंग शुरू की है उनके लिए तो ये समझिए एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। उनको इस तरह का प्लांट भी लगाना चाहिए। और ये है पोर्चुला का, हालांकि इसका सीज़न अब जा रहा है, डोरमेंसी में जा रहा है, लेकिन ये मेरे पास दिसंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको दिखाता हूँ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हार्डी सकुलेंट प्लांट। ये देखिए, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दिखा सकता मैं आपको। ये देखिए कितना हार्डी प्लांट है, इसको 4 महीने 3 महीने या पूरे साल भी पानी नहीं दोगे तब भी ये प्लांट ऐसे ही चलता रहेगा। उसके पीछे रीज़न है इसकी पत्तियाँ, देखिए कितनी मोटी पत्तियाँ हैं और कितनी हार्ड हैं, और ये इसका थिक स्टेम, इसके अंदर ये पानी स्टोर किया हुआ होता है। और मैं आपको दिखाऊं इसकी ये वाली भी कटिंग लोगे छोटी सी, वो भी सरवाइव कर जाती है। देखिए मैंने ये कटिंग, ये नए प्लांट्स बना लिए हैं फ्री में बिल्कुल। ये देखिए ये रेडी हो गया है, ग्रो कर रहा है, और एक प्लांट ये है, ये रेडी हो गया है। देखिए न्यू शूट्स भी निकल के आ गई हैं, और ये फ्री का ही प्लांटर है, आप देख सकते हो पुरानी प्लास्टिक बॉटल। तो इस तरह से ये मैंने ये नए प्लांट किसी को देने के लिए मैंने बनाए हैं। एक ये रेडी होने वाला है, इसमें भी शूट निकल के आ गई हैं। तो ये मुझे किसी को देने हैं, उनके लिए मैंने तैयार किया है। ये सब जानते ही हो आप, अजवाइन पत्ता, और ये भी प्लास्टिक बोतल में चल रहा है, लेकिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कोई भूखे हो। फ्री का प्लांट है, और ये भी प्लांटर भी फ्री का ही है। देखिए किसी को गिफ्ट देने के लिए कितना अच्छा है, ये देखिए। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में ये प्लांट्स लगाएं और गिफ्ट करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और उनको भी गार्डनिंग का शौक़ उनके अंदर भी आए तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया है इसको ऐसे। बस ये हार्डी प्लांट है, सकुलेंट प्लांट है। तो देखिए इसने इतनी अच्छी ग्रोथ ले ली है, और ये भी मेरे पास फ्री के ही प्लांटर में लगा हुआ है प्लास्टिक बोतल में। तो ये देखिए कैसे अच्छे से चल रहा है, और इस पर दिसंबर के एंड या जनवरी में इसमें फ्लोरिंग भी होती है, एक स्टिक निकल के आएगी ऊपर, उसमें इस पर फूल आते हैं। तो देखिए फूल भी मिलेंगे देखने को हमें, और इस तरह से कितना ग्रीन कलर हमें मिल रहा है, और इसकी जो है पत्तियों से भी बेबी ऐसे ये हम डाल देंगे कहीं तो ये ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ये फ्री में हमारे गार्डन में ये प्लांट बने रहते हैं, पानी भी इनको नहीं चाहिए, केयर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत आसानी से हो जाते हैं ग्रो। कुछ प्लांट जो है देखिए, पहले वो प्लांट पहले यहाँ रखा हुआ था, तो उसके ये पत्तियों में से ये गिरे बेबीज, और यहाँ पे गिर गए। देखिए किस तरह से यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ ले ली है। तो इस तरह से प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं आपस में एक दूसरे से गिर गिर के। और ये देखिए एक प्लास्टिक की छोटी सी उसमें बोतल में ये लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर निकाल के दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये मैंने इसमें स्टेम के ये है ना जट्रोफा के प्लांट्स हैं, इनके बीच में फंसा के रख दिया था, तो इन्होंने इसको जकड़ लिया है। ये देखिए कितना अच्छा से चल रहा है, देखिए प्लास्टिक बोतल में, फ्री का प्लांट है, बिल्कुल फ्री में रेडी किया हुआ है। तो मैं इसको आज सफाई भी कर दूंगा यहाँ से, ऊपर से सूखी पत्तियाँ गिर गिर के इसके ऊपर आ गई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं इसको थोड़ा धूप में रखूँगा यहाँ पर, हालांकि ज़्यादा धूप का नहीं है, ये सेमी शेड में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है ये प्लांट। अभी मैं इसको यहाँ रख दूँगा,
तो यहाँ ऐसे है ना रखा हुआ अच्छा लगेगा। इसको मैं सही से जगह देता हूँ, आई थिंक पहले इसकी मैं जगह बना दूँ। तो इसको मैं ऐसे रखूँगा, ये स्लोब में है तो इसलिए रुकने रहा है। अब देखो ये रुक जाएगा तो यहाँ रुकेगा ये। तो देखिए फ्रेंड ये आराम से वहाँ पर रुक गया जाकर। तो इस तरह से ये हम प्लांट अपने गार्डन में बना कर इधर उधर रख दें। जगह भी नहीं हो तो एक एक प्लांटर के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा प्लांटर है, आराम से यहाँ से नमी भी लेता रहेगा और सर्वाइव करता रहेगा। तो देखिए अगर आप जो है जगह कम है आपके पास तो आप एक ही प्लांटर के ऊपर दूसरा प्लांटर रख कर भी इस तरह से प्लांट्स बहुत सारे प्लांट आप रख सकते हो। देखिए एक के ऊपर एक, क्योंकि ये बड़ा प्लांटर है, ये जगह खाली पड़ी है तो हमने इसके ऊपर ही रख दिया अडेनियम का। तो ऐसे ये छोटा प्लांटर रख दिया, ये रख दिया छोटा प्लांटर इसके ऊपर, इस तरह से तो हम जगह भी बचा सकते हैं और कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक रख कर अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। ये पर्पल हार्ट में मैंने लेंटाना के प्लांट के सीड्स डाले थे। तो देखिए रेनी सीजन में तो इन्होंने ग्रोथ ले ली है, एक दो और ये तीन बेबी लेंटाना प्लांट्स ग्रो करके आए हैं। ये जो है वेरीगेटेड वाले हैं, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर इसमें तीन चार तरह के कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने ये देखे तीन बेबी फ्री में प्लांट्स मेरे तैयार होने वाले हैं लेंटाना। तो अभी जगह हो गई यहाँ पे खाली, मैं क्या करूँगा पर्पल हार्ट यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। ये देखिए तो ये पर्पल हार्ट मैंने ऐसे रख दिए, इस पर डायरेक्ट धूप आ रही है, ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है तो शायद इसलिए उसकी पत्तियाँ मुड़ रही हैं अभी, क्योंकि धूप ज़्यादा है। जो कि फ्री के प्लांटर में लगा हुआ है इसको भी मैं यहाँ दे दूँगा स्पेस। तो ये एक जगह एक साथ आ गए और बाकी मैंने इधर लगाए हुए हैं, यहाँ जो मैंने लगाए हैं ये देखिए ये कितने अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ इन पर कम धूप आती है लेकिन शाम की धूप, इस पर 3 बजे के बाद धूप आती है। तो देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है और पत्तियाँ भी इनकी अच्छे से ग्रोथ हो रही है इस प्लांट पे। तो मैंने ढेर सारे यहाँ लगा रखे हैं, अगेन वही सेकुलेंट थाउजेंड्स ऑफ मदर में की वैरायटी है ये भी। तो इस तरह से देखिए फ्री में सेकुलेंट प्लांट्स हैं मेरे पास, ये भी इसी साल मैंने न्यू जो है प्लांट लगाया है। ये इसका मदर प्लांट जो है ये है, इस पर येलो कलर की फ्लावरिंग होती है, इसी में से लेकर मैंने इसके यहाँ से बेबीज निकल के आए थे। एक तो अभी आ भी रहा होगा उस साइड, मैं आपको दिखाता हूँ कहीं है, इस तरफ है, घुमा के दिखाता हूँ। एक बेबी इसका ये आ रहा है, तो तीन चार यहाँ आ रहे थे, वहाँ से मैंने लेकर उनको लगा दिया है। तो एक ये रहा और दो ये रहे, तो इस तरह से मैंने लगा दिए ये न्यू प्लांट। बहुत महंगा मिलता है फ्रेंड ये, इस पर येलो कलर के बहुत प्यारे फूल आते हैं। ये 500 रुपये का एक इस साइज़ का मुझे मिला था 4-5 साल पहले, 500 का, ये बहुत कॉस्टली है। तो नेहरू प्लेस है दिल्ली में, वहाँ की नर्सरी से मैं परचेस करके लाया था 500 में इस साइज़ का। तो अब मेरे पास चार साल के बाद मुझे ये दो ये और एक ये, एक उस साइड में लगा है, आपको दिखाई देता हूँ मैं। देखिए यहाँ है एक, यहाँ पर है, तो चार प्लांट मुझे ये फ्री में मिल गए हैं। तो इस तरह से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फ्री में प्लांट के। इन बेबीज को पाने के लिए मुझे 4 साल का वेट करना पड़ा, मैं यही वेट देख रहा था कि कब इस पे नए बेबीज आएंगे और मैं लगाऊंगा। तो फाइनली मैंने लगा भी दिए हैं, क्योंकि वो एक ही प्लांट था और महंगा प्लांट था, तो मुझे डर ये था कि ये जो है कभी भी रेनी सीजन में या विंटर में ये जो है फंगस लग जाएगी इसको और ये ख़राब हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो चलता ही रहा मेरे पास और उसने बेबीज भी इस पर आ गए और मैंने लगा दिए। हार्डी सकुलेंट जेड प्लांट, सभी का फेवरेट रेटल कैक्टस, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, देखिए
कितने प्यारे लग रहे हैं। एक साइड में ऊपर बर्थ बर्थ पर रखे हुए ये मैंने इस तरह से रख दिए हैं ताकि ये ऐसे ना हैंग करते हैं, नीचे लगते हैं, और फिर इन पर फ्लावरिंग होगी तो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। विंटर के जो है स्टॉक फ्लावर के सीड डाले थे तो विंटर के लिए ये मैंने सीडलिंग तैयार हो गई है मेरे पास, ये ग्रो हो गए हैं, इनको लगा दूंगा 8-10 दिन के बाद लगाऊंगा इनको नए प्लांटर्स में। और ये मेरे पास जो है सीड से ग्रो हुआ है ये रियो का प्लांट, इसका मदर प्लांट वहाँ रखा है, वहाँ पर है, तो ये जो है सीड से ग्रो हुआ है तो मैंने इसको जो है उठाकर इसको ये वाला प्लांटर दे दिया है, तो ये मुझे फ्री में मिला है अपने ही गार्डन से। मैंने इस तरह से इन प्लांट्स को ऐसे ऐसे ना राउंड राउंड में लगा दिया है ताकि ये एक दूसरे से नमी लेते रहें, मॉइस्चर लेते रहें, और इस तरह से प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया इनका, कुछ इधर ऐसे रख दिए एक साथ मिलाकर, ये इधर रख दिए एक साथ मिलाकर, इससे एक दूसरे से मॉइस्चर लेते रहते हैं और अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। और एक ये बना के रख दिया मैंने इस तरह से, तो ऐसे मैं गोल गोल में करता हूँ, वो देखने में अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो है मेरी विंटर के लिए फ्लावर प्लांट्स के जो है सीड मैंने डाले थे तो ये तैयार होने लगे हैं। अब इनके पौध में उठाकर कल संडे है, कल मैं इनको दूसरे बड़े बड़े प्लांटर्स में शिफ्ट कर दूंगा ताकि इस पर अच्छे से फ्लावरिंग हो। इस बार मैंने ये वाले स्टॉक फ्लावर ज़्यादा लगाए हैं, इस बार मारीगोल्ड मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही प्लांट है। लास्ट ईयर मारीगोल्ड हमने बहुत सारे लगाए थे, मारीगोल्ड ही भर दिया था मैंने पूरे गार्डन में, इस बार मैं ये वाले स्टॉक फ्लावर लगाऊंगा। तो ऐसे ना हर साल चेंज करके लगाते रहना चाहिए तो उससे अच्छा लगता है। इस बार ये वाले ज़्यादा प्लांट्स मैंने लगाए हैं, मारीगोल्ड रहने दिया। और देखिए फ्रेंड, ये कचरी थी ये पक चुकी है, ये देखिए मैंने तोड़ ली है। तो इसका जो प्लांट था वो विंटर, जैसे रात में ठंड बढ़ गई है तो ये सूख गया, और इस पर ये फ्रूट लगा हुआ था, ये देखिए ये भी पक गया है। तो इसको मैं देखता हूँ, ये खाने में टेस्टी लगता है बहुत, देखिए छोटे छोटे कचरी आती हैं, बहुत टेस्टी है फ्रेंड खाने में। ये मुझे सुबह सुबह फ्रूट मिला देखिए अपने गार्डन से, वेरी टेस्टी। इसके बीज भी खा लिए मैंने, बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये जट्रोफा के प्लांट लगे हुए हैं एक साथ, बहुत हार्डी प्लांट है, कोई केयर की जरूरत नहीं है। ये इस पे सीड्स आ रहे हैं, देखिए ये सीड जो है अपने आप जब ये पक जाता है, ये सूख जाते हैं तो ये बस्ट होके इधर उधर गिर जाते हैं, तो उससे नए जो है बेबीज निकल के आ जाते हैं, और ये प्लांट जो है बहुत आसानी से सर्वाइव करता रहता है। ये देखिए कितने छोटे छोटे प्लांटर्स में भी ये इतने हैवी हो गए हैं। और इस प्लांट का जो है बॉन्साई बहुत अच्छा बनता है, देखिए कितने इसके स्टेम थिक हो गए हैं। तो मैंने तो ये बड़े प्लांटर में लगा रखे हैं, इनको अब शेलो पॉट में लगाने की ज़रूरत है, यहाँ से कट कर दूँगा मैं ऐसे, तो इसकी बॉन्साई भी बहुत आसानी से बन जाएगी। तो मैं इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि इनको जनवरी फरवरी के मंथ में मैं इसको लगा दूंगा ऐसे कट करके यहाँ से, और फिर यहाँ से इसमें से शूट निकल के आएंगे तो ये बोनसाई का शेप ले लेंगे। देखिए तीन प्लांट वहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ इसमें, इन सबको मैं बोनसाई बनाने वाला हूँ इनकी। ये सभी जानते हैं ये स्वीट पोटैटो वाइन है, तो ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन मैंने इसमें लगा दी है, खाली प्लांटर पड़ा हुआ था, अब मैं इनको हार्वेस्ट करने वाला हूँ कुछ दिनों में। लास्ट ईयर भी मैंने स्वीट पोटैटो हार्वेस्ट की थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो बहुत सारे प्लांटर्स में मैंने लगा दिए ये। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।